हेलो बच्चों, निशांत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में समाकलन, जो 11th, 12th और 12th के बाद भी जो फाउंडेशन फिजिक्स है उसमें यूजफुल है। उसमें हमें ये ध्यान देना है कि समाकलन क्या है। एक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में यूज आने वाला एक स्टेप है जो अवकलन का उल्टा प्रोसेस कहलाता है। अवकलन हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पढ़ा था, उसका अगर उल्टा प्रोसेस हम काम में लेंगे तो उसे हम कहते हैं समाकलन। समाकलन का सामान्य मतलब सम करना, मतलब जोड़ना, याद रखिएगा। और इसे हम अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम भी कहते हैं। इसका सिंबल जो होता है संकेत, वो होता है S। S को थोड़ा सा विस्तार करके खींच दीजिए तो यह समाकलन का इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाता है। समाकलन को पढ़ने का तरीका क्या होता है कि वाई डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन या समाकलन। वी डी टी लिखा हुआ है तो v का t के सापेक्ष समाकलन, v का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अपन परिभाषित करेंगे इसे। a dt लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, इसका मतलब है त्वरण का समय के सापेक्ष या एक्सेलरेशन का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। यहां पे इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है x रेस टू पावर n dx, x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन आप कर रहे हैं तो पावर में 1 ऐड करें और ऐड की हुई पावर से डिवाइड कर दो, मतलब घात में एक जोड़ना है, जुड़ी हुई घात का भाग दे देना है तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 कर दो, घात में एक जोड़ा, जुड़ी हुई घात का भाग दे दिया तो इसका बेसिक फॉर्मूला तैयार हो गया समाकलन का। जैसे इसके एग्जांपल जोड़ते हैं, यहां पर x की पावर 5 का x के रेस्पेक्ट में समाकलन इंटीग्रेशन करना है हमें तो x की पावर 5 में 1 ऐड करेंगे, x की पावर 6 हो जाएगी, डिवाइड बाय 5 प्लस 1 करेंगे तो x रेस टू पावर 6 डिवाइड बाय 6 हो गया। ये समाकलन दो प्रकार के होते हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। ये इसमें लिमिट्स नहीं है इसलिए अनिश्चित समाकलन है, तो आंसर लिखते समय आपको c ऐड करना पड़ेगा। x रेस टू पावर 2 है, x की घात 2 का x के सापेक्ष समाकलन अगर आप कर रहे हैं तो पावर में 1 ऐड करेंगे और 8 की हुई पावर से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे तो x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 हो गया प्लस c ऐड कर दो। x की पावर माइनस 22 dx हो, इसका मतलब कैसे पढ़ा जाएगा इसको, x की घात माइनस 22 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का समाकलन, ठीक है। dx मतलब जो होता है डी बाई डी, जो अपन पढ़ रहे थे इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, वहां हमने डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन पढ़ा था। अवकलन का उल्टा प्रोसेस चल रहा है, तो x की पावर माइनस 22 है यहां पर तो पावर में 1 ऐड करो और 8 की हुई पावर को डिवाइड कर दो तो x रेस टू पावर माइनस 21 डिवाइड बाय माइनस 21 प्लस c। अनिश्चित इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होने की वजह से इसमें प्लस c ऐड करना है आपको। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन है, एक अनिश्चित समाकलन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन। अनिश्चित समाकलन ऐसा समाकलन जिसमें समाकलन के पश्चात अनिश्चित मान प्राप्त होता हो उसे अनिश्चित समाकलन कहेंगे। इसमें लिमिट्स नहीं होती, मतलब यहां इंटीग्रेशन के चिन्ह के यहां पर या इसके सिंबल के यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। और इसमें जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखते समय आपको c ऐड करना है, प्लस c करना है। जैसे fx dx है, इसका समाकलन gx आया तो उत्तर लिखते समय आप प्लस c करेंगे। ये अनिश्चित समाकलन है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। एग्जाम्पल देखो, x की पावर 5 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है तो पावर में 1 ऐड करेंगे डिवाइड बाय 8 की हुई पावर तो x रेस टू पावर 6 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा प्लस c। डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन कहते हैं, ऐसा समाकलन जिसमें समाकलन के पश्चात निश्चित मान प्राप्त होता हो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। इसमें लिमिट्स दी हुई होती है, लिमिट्स देना मतलब ये जो वैल्यू आप इंटीग्रेशन की करेंगे उसमें लोअर और अपर लिमिट दो चीजें होती हैं। जैसे आप इसको देख रहे हैं, fx का x के रेस्पेक्ट में समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है x1 से x2 तक तो निम्न सीमा लोअर लिमिट हो जाएगी x1 और अपर लिमिट उच्च सीमा या ऊपरी सीमा हो जाएगी x2। यहां पे fx dx हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन समाकलन हुआ gx, ठीक है। तो आप लिमिट वैसे ही पुट करेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिख के x1 यहां लिख देंगे, x2 यहां लिख देंगे ऊपर की तरफ। जब आप लिमिट पुट करना चाहें तो पहले पॉजिटिव साइन के साथ में प्लस लगेगा, पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे जी एक्स टू माइनस, माइनस का चिन्ह लगा के जी एक्स वन, लोअर लिमिट बाद में रखी जाएगी, अपर लिमिट पहले रखी जाएगी। एक्स वन को लोअर लिमिट कहा गया है
और x2 को अपर लिमिट कहा गया है, उच्च सीमा। ये समाकलन के नीचे लिखा हुआ पद निम्न सीमा कहलाएगा, लोअर लिमिट, और समाकलन के ऊपर लिखा हुआ उच्च सीमा या अपर लिमिट कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं, 0 से 3 लिमिट है x रेस टू पावर 2 dx, x की घात 2 का x के सापेक्ष समाकलन आपको करना है, तो पावर में 1 ऐड करेंगे डिवाइड बाय 8 की हुई पावर हो गया, x की घात 3/3 हो गया, 0 से 3 आप लिमिट लगा रहे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे, x की जगह 3 रखोगे, 3 की घात 3 हो गया डिवाइड बाय 3, ठीक है, माइनस x की जगह 0 पुट कर दो, 0 की पावर 3 हो गया डिवाइड बाय 3। अब 0 की पावर कितनी हो, 0 ही आंसर आएगा, तो ये 3^3 27 डिवाइड बाय 3 हो गया, तो ये हो गया 9 टाइम्स कट जाएगा, 9 बार कट गया, तो 9-0 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 9। अब इसमें 9 फिक्स मान है, तो इसको कहा गया निश्चित समाकलन। कौन सा समाकलन है ये? एग्जांपल जो बना, इस गिवन एग्जांपल का आंसर कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, 9 बन रहा है, इसलिए इसको निश्चित समाकलन कहते हैं। अगला एग्जांपल लिया हमने x रेस टू पावर 3 का, x के रेस्पेक्ट में हमें समाकलन या इंटीग्रेशन करना है 5 टू 10, मतलब लोअर लिमिट कितनी होगी 5, अपर लिमिट कितनी होगी 10 हो गई, इसका इंटीग्रेशन समाकलन किया, पावर में 1 ऐड करेंगे, 8 की पावर से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 हो गया। लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, बड़े ब्रैकेट लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लिख के और लोअर लिमिट लिख देंगे 5, अपर लिमिट लिख देंगे 10, तो पहले x की वैल्यू रखोगे 10 प्लस के साथ, ये प्लस लगा दिया और x की जगह 10 रख दिया, 10^4 डिवाइड बाय 4 हो गया ये यहां से, और फिर माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन लगा के और x की जगह आप 5 रखेंगे, 5^4 डिवाइड बाय 4। अब 10 की पावर 4 अगर सोल्व करेंगे तो 10,000 हो जाएगा डिवाइड बाय 4, माइनस 5 की पावर 4, 5^4 का मतलब 625, 625 डिवाइड बाय 4 कर दिया, इसको 10,000 में से आपने 625 घटा दिए और 4 का भाग दे दिया, 9,375 डिवाइड बाय 4 कर लो, तो यह आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है x रेस टू पावर 5 dx, अब इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 5 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, समाकलन कर रहे हैं 2 से लेकर 4 तक, तो लोअर लिमिट हो गई 2, अपर लिमिट हो गई 4, इसका इंटीग्रेशन समाकलन किया है x रेस टू पावर 6, x रेस टू पावर 6 डिवाइड बाय 6 आना चाहिए यहां पे, ये 6, ठीक, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे आप यहां पे, कितने वैल्यू रखेंगे x की 4, तो 4 x की पावर 6 लिमिट कहां से कहां तक चल रही है, देखिए ये इसका इंटीग्रेशन कर चुके हुआ, x की जगह आपको रखना है 4 यहां पे, ये पावर रहेगी 6 डिवाइड बाय 6, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगा के x की जगह रखेंगे 2, 2 रेस टू पावर 6 हो जाएगा और डिवाइड बाय 6, मतलब पहले x की जगह 4 पुट करना है आपको, माइनस का साइन लगाना है, x की जगह वैल्यू 2 रखनी है, तो 4^6 का आंसर बन गया 4096 डिवाइड बाय 6 चल ही रहा है, 2 की पावर 6 कितना हो जाता है 64, तो ये 6 एलसीएम भी ले सकते हो आप, यहां पे डिवाइड बाय 6 करके 6 एलसीएम ले लिया, 4096 में से 64 माइनस कर दिया तो 4032 डिवाइड बाय 6, तो आंसर आ जाएगा 672। ये इस गिवन क्वेश्चन का आंसर बन गया, एक बार फिर समझा दो, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है, इसका इंटीग्रेशन समाकलन किया आपने, x रेस टू पावर 6 डिवाइड बाय 6 बन गया, यहां पे x की वैल्यू पहले क्या रखोगे 4 रखोगे, 4^6 डिवाइड बाय 6, फिर x माइनस का साइन लगा के x की जगह 2 रखोगे, 2 की पावर 6 हो गया डिवाइड बाय 6, एलसीएम ले लो 6 और इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। नेक्स्ट है dx का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे x, dt का इंटीग्रेशन समाकलन t, dt का थीटा, dv का इंटीग्रेशन v, dp का p। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसके लिए आप क्या कीजिए कि यहां पर मैंने आपको पहले जो मैथमेटिकल प्रोसेस में बताया था, महत्वपूर्ण बीजगणितीय पद जो हमने पढ़े थे, कि हमने ये पढ़ा था
एक्स टी पावर जीरो अगर कहीं है तो आप उसको वन लिख सकते हो, या आपको कहीं अगर वन नजर आ रहा है ऐसे तो वन को आप हटा के एक्स की पावर जीरो लिख सकते हो। वन को हमने एक्स की पावर जीरो लिख दिया डीएक्स। और जब आप इसका इंटीग्रेशन समाकलन करने लगेंगे तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, पावर में एक एड कर दो और एड की पावर से डिवाइड कर दो, तो एक्स की पावर जीरो प्लस वन डिवाइड बाई जीरो प्लस वन कर दिया, इसमें एक्स एस टू पावर वन डिवाइड बाई वन, तो एक्स आंसर आ गया इसका। तो dx का इंटीग्रेशन या समाकलन पूछे तो क्या बोलना है, x का, dt का t, dt का थीटा, dv का v, इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन याद कर सकते हैं समाकलन। अब कुछ बीजगणितीय पद अवकलन के समय भी पढ़ाए गए थे और अभी समाकलन के समय भी तैयार कर रहे हैं। तो यहां पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर जीरो हो तो उसको हमेशा वन लिखते हैं, x रेस टू पावर जीरो मतलब वन, t रेस टू पावर वन, अंडर रूट एक्स कहीं नजर आ रहा हो तो एक्स एस टू पावर वन बाई टू मतलब एक्स की पावर आधी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, वन अपॉन रूट एक्स को एक्स रेस टू पावर माइनस वन बाई टू लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं यहां पे माइनस वन बाई टू, एक्स रेस टू पावर माइनस वन बाई टू हो गया ये, और एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स हो जाएगा तो रूट एक्स रिमेनिंग रह जाएगा, तो एक्स अपॉन रूट एक्स को हम क्या कह सकते हैं रूट एक्स। और अगर कहीं पे एक्स रूट एक्स अगर नजर आता है आपको तो इसका वन और वन बाई टू को एड करोगे तो इसको थ्री बाई टू भी लिख सकते हो। ये केवल मैथमेटिकल स्टेप है जो हमें याद होने चाहिए। अब इंटीग्रेशन समाकलन अब करेंगे हम, जैसे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद होने चाहिए। फॉर्मूले लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मतलब साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स का समाकलन इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स। याद भी करना है आपको, ये लिखने भी है और याद भी करना है आपको, ये फ्यूचर में काम आते रहेंगे फॉर्मूले हैं। कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ई एक्स का ई एक्स, ई एक्स मैंने आपको बताया था पहले भी, ई एक्स ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी है जो न तो डिफरेंशिएशन में चेंज होता है न इंटीग्रेशन मतलब अवकलन समाकलन में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब इसमें कुछ नियम बना रखे इंटीग्रेशन करने के समाकलन करने के, यदि किसी फलन के साथ नियतांक गुणा में हो तो समाकलन करते समय नियतांक को बाहर निकाल लेते हैं तथा शेष फलन का समाकलन कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला है सी एफ एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन समाकलन करना है आपको, तो सी को कॉन्स्टेंट मान के बाहर ले लो और एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देना। जैसे एग्जाम्पल समझे, अब कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, किसी एक फंक्शन का दूसरे फलन फंक्शन के साथ में रिलेशन हो तो उसे फंक्शन या फलन आप कहते हैं, और अगर कोई रिलेशन न हो जैसे डीएक्स और सी में कोई रिलेशन ना है तो इसे आप कॉन्स्टेंट कहके और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं। ये इसका नियम है, 5 sec स्क्वायर एक्स डीएक्स, अब 5 एक्स के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो, 5 को बाहर निकाल लिया sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan x, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मतलब समाकलन tan x हो जाएगा, तो 5 tan x plus c, plus c क्यों किया मैंने, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, लिमिट्स नहीं है यहाँ पे, लिमिट्स अगर होती तो c की नीड नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे 15 एक्स रेस टू पावर 4 dx, अब 15 को कॉन्स्टेंट मान लो, 15 को बाहर निकाल लो और x रेस टू पावर 4 dx पावर में एक एड कीजिए और एड की भी पावर से डिवाइड कर दो, तो 15 x रेस टू पावर 5, ये यहां से 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 बार कट गया, 3 x की घात 5, आंसर लिखते समय प्लस c इसलिए करेंगे क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन है, इसलिए c ऐड करना जरूरी है। नेक्स्ट समाकलन के लिए योग नियम, इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक फलन फंक्शन योग के रूप में हो तो सेपरेटली तीनों का आप इंटीग्रेशन समाकलन करो और उनको बाद में आपस में ऐड कर दो या उनका योग कर दो तो ये योग नियम कहलाता है। जैसे यू वी डब्ल्यू तीन स्टेप एडिशन योग के रूप में थे तो हम क्या करेंगे, योग नियम लगाएंगे, एडिशन लो, इसमें क्या करना है, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ और एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, तो यू डी एक्स इंटीग्रेशन वी का डी एक्स के रेस्पेक्ट में और डब्ल्यू का डी एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब
यू का समाकलन एक्स के सापेक्ष, वी का समाकलन एक्स के सापेक्ष, डब्ल्यू का समाकलन एक्स के सापेक्ष, और समाकलन करके इंटीग्रेशन करके तीनों को ऐड कर दीजिए। तो ये एडिशन लो या लो एडिशन कहलाएगा इसके लिए इंटीग्रेशन। एग्जांपल देखिए, जैसे एक्स रेस टू पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स प्लस ई एक्स डी एक्स है, इस फॉर्म में लिखा हुआ था। तो यहां पर एडिशन लो, योग नियम लगाएंगे, एक्स रेस टू पावर 5 डीएक्स 1 बाई एक्स डीएक्स ई एक्स डीएक्स। अब इसमें मैंने आपको याद कराया, पावर में एक ऐड कीजिए, ऐड की हुई पावर से डिवाइड कर दो, एक्स रेस टू पावर 6 डिवाइड बाई 6, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, रिमेंबर रखना है, याद रखना है अपने को, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन समाकलन लॉग एक्स होता है और ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा। तो आंसर लिखते समय सी ऐड कर दो, क्यों, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन है। एग्जाम्पल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स था, तो आप इसको जब मल्टीपल चॉइस में देखें तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां इसको 1 लिख दो, 1 इंटू डीएक्स। अब मैंने आपको डायरेक्ट याद करने को कहा था कि डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा, तो डीएक्स का समाकलन एक्स, आंसर लिखते समय सी एड कर देना आप इसमें, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 1 कह देते हैं, 1 इंटू डीएक्स का वापस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 45 x रेस टू पावर 8 प्लस sec स्क्वायर x प्लस 25 अपॉन x लिखा हुआ था। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये कि योग नियम कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां देखिए 45 को बाहर निकाल लिया हमने, x रेस टू पावर 8 इसका x रेस टू पावर 9, पावर में 1 ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 8 की हुई पावर से डिवाइड कर देंगे इसको, प्लस sec स्क्वायर x का 10x, और ये 25 बाहर निकाल लो, 1 / x dx का log x। तो ये हो गया 45 into x raise to power 9 by 9 है, ये 5 times कट जाएगा, तो 5 x raise to power 9, 5 x की घात 9 plus 10x plus 25 log x हो जाएगा। आंसर लिखते समय plus c add क्यों करना है, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है या indefinite integration है, इसलिए आंसर आ गया इसका। यहां बराबर लगा दीजिए, स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट है समाकलन के उपयोग। समाकलन के उपयोग क्या कहते हैं, कि आप इससे दूरी या विस्थापन की गणना कर सकते हैं, वेग का समय के सापेक्ष समाकलन दूरी या विस्थापन कहलाता है। ठीक है, वेग का समय के सापेक्ष समाकलन क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा, दूरी या विस्थापन कह सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला हमने लिया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो विस्थापन बराबर वेग इनटू समय, दोनों पक्षों का समाकलन किया डीएस के रूप में, और यहां वी डीटी के फॉर्म में हो गया। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, वेग का वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाता है। अब इसी को अगर आप निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं, तो यहां पर एस टी वन से टी टू वी डीटी, वी का टी के रेस्पेक्ट में समाकलन इंटीग्रेशन, टी वन इनिशियल प्रारंभिक समय और T2 अंतिम फाइनल टाइम है। जैसे 0 से T चलना है तो यहां 0 हो जाएगा और ये T हो जाएगा। अब इसका अगर ग्राफ भी प्लॉट करना चाहो आप, इसका ग्राफ कैसा खींचता है, जैसे ये यहां पे कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा, ये T1, यहां पे T2, और ये वेलोसिटी दे रखी है v, वेग दिया हुआ है। तो यहां से यहां तक का जो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वो क्या कहलाएगा, T1 से T2 तक इंटीग्रेशन कहलाएगा, समाकलन कहलाएगा। और अगर आप इसका स्मॉल पार्ट लेते हैं तो इसको यहां पे dt कह देते हैं। तो ऐसे भी जाते समय टाइम कितना लिया, T1 से T2 तक लिया, और कितना उसने विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट तय किया, ये इसके बराबर। S इज इक्वल टू T1 से T2 तक इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, v का t के रेस्पेक्ट में, वेग का समय के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं। एग्जाम्पल बनाया हमने, यदि वेग v इज इक्वल टू 4t रेस टू पावर 3 प्लस 10t मीटर पर सेकंड हो, तो 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है आपको, जबकि वेलोसिटी दे रखी है। अब यहां पे s इज इक्वल टू v dt लिखा 0 से 2, ठीक है, 0 से 2। अब इस वाली वैल्यू को यहां रख दिया हमने,
फोर कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, योग नियम लगाएंगे एडिशन लो, फोर को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे टी रेस टू पावर थ्री का टी के रेस्पेक्ट में जीरो से टू लिमिट चलेगी, टेन को कॉन्स्टेंट मान के बाहर निकाल लिया, टी रेस टू पावर वन डी टी, टी की पावर वन का टी के सापेक्ष समाकलन आप करने जा रहे हो जीरो से टू तक। जब आप इसका इंटीग्रेशन समाकलन करोगे तो यहां पहुंचोगे। जब समाकलन कर चुके होते हैं तो बड़ा ब्रैकेट लगाया जाता है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने, जीरो से टू लिमिट रख दी, पावर में एक एड करेंगे और एड की भी पावर से डिवाइड कर देंगे, टी रेस टू पावर फोर डिवाइड बाई फोर प्लस टेन आगे आ गया, इसमें फोर आगे आ रहा था, टेन कॉन्स्टेंट हो गए, इसमें टी रेस टू पावर टू, टी की घात दो बटे दो हो जाएगा, जीरो से टू लिमिट लगानी है दोनों में। आपने यहां पे देखा फोर से फोर कैंसिल हो सकता है, ये फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, टी रेस टू पावर फोर जीरो से टू, यहां पे टू ए डिवाइड में और यहां टेन है तो फाइव टाइम्स पांच बार कट गए, तो ये जो संख्या है नंबर से वो तो बाहर रहेंगे और जीरो से टू लिमिट लगा दो। अब आप पहले क्या करेंगे, टू पुट करेंगे इस जगह, टू रेस टू पावर फोर माइनस जीरो के पावर फोर हो जाएगा प्लस फाइव, ऐसा कैसे चलने दो, टी की जगह टू रख दो, टू रेस टू पावर टू, दो की घात दो माइनस जीरो की घात दो हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम सोल्व करेंगे तो ये 16 माइनस जीरो प्लस 20, 5 इंटू 4 हो जाएगा तो ये 20 माइनस जीरो 36, 36 मीटर इसका आंसर आ गया विस्थापन का, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट आप निकाल चुके हैं। नेक्स्ट है वेलोसिटी की कैलकुलेशन, मतलब वेग की गणना। जब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो a इक्वल्स टू v अपॉन t पढ़ा हमने, वेग निकालने वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सीलरेशन इनटू टाइम कर दो, ये आप इसे पढ़ोगे कैसे, a का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन या समाकलन और लिमिट अगर दे रखी हो तो t1 से t2 इसको क्या बोला जाएगा, त्वरण का t के सापेक्ष समाकलन t1 से t2 तक, t1 निम्न सीमा और t2 उच्च सीमा या ऊपरी सीमा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्सीलरेशन का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, कहां से कहां तक, t1 से t2 तक कर रहे हैं, तो आप इससे वेलोसिटी मतलब वेग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में एक्सीलरेशन त्वरण दे रखा है 10t प्लस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 0 सेकंड से 10 सेकंड के लिए वेलोसिटी वेग निकालो, ये तो वेलोसिटी निकालने के लिए वेग निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया, a का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन या समाकलन t1 से t2। अब क्वेश्चन में पढ़ने पर आपको पता लगा t1 कितना है, क्वेश्चन में देखो t1 है 0 सेकंड, t2 कितना मिला 10 सेकंड, 10 सेकंड मिला, हमने a की वैल्यू को ऐसा कैसा यहां रख दिया, 10 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t के सापेक्ष लिमिट कहां से कहां तक 0 से 10 प्लस योग नियम एडिशन लो लगाओ, 5 को आगे ले लो, dt का इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन 0 से 10 तक। अब आपने इसमें पावर में एक ऐड किया और ऐड की हुई पावर से डिवाइड कर दिया, समाकलन करने के बाद आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, और यहां पे लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, यहां पे लिमिट देखो 0 से 10 चल रही है तो ये लिमिट रहेगी 0 से 10, ठीक, यहां पे 10 है या 2 है तो 5 टाइम्स कट जाएगा, यहां पे 5 तो पहले से कांस्टेंट चल रहा था, नियतांक था तो बाहर निकाल लिया, dt का t बताया था आपको, dt का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है, t होता है, तो यहां पे t लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, 0 से 10 लिमिट लगा दी। अब पहले लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले आप अपर लिमिट रखेंगे 10, माइनस का साइन लगाएंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो 5 तो चलेगा बड़े ब्रैकेट के आगे, और यहां पे 10 t की जगह 10 पुट कर दो, 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये 5, ये वाला स्टेप यहां पर चल रहे हैं, यहां से यहां तक 5, पहले t की जगह 10 रख दिया माइनस फिर 0 रख दिया, 5 इंटू 100, 5 को 100 से गुणा किया 500 माइनस 0, 5 इंटू 10 करोगे 50 माइनस 0, तो 500 में 50 जोड़ दो, 550 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये किसका मान आया, जब एक्सीलरेशन त्वरण दे रखा हो और टाइम की लिमिट्स दे रखी हो तब आप इसका इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी वेग या चाल का मान निकाल सकते हैं। ये हमने एक एग्जांपल और बढ़ा दिया। नेक्स्ट है कार्य की गणना, वर्क डन निकाल सकते हो आप इंटीग्रेशन करके, बल का विस्थापन के सापेक्ष
समाकलन कार्य के बराबर होता है। कार्य को W से वर्ग लेंथ से दर्शाएंगे और इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर या जूल हो सकता है। कार्य बल इंटू विस्थापन होता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। और ये फॉर्मूला बना x1 से x2 f डॉट dx, मतलब f का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन या समाकलन आप कर रहे हो। x को प्रारंभिक विस्थापन, x2 को अंतिम विस्थापन, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। ग्राफ में x एक्सिस पे आप x एक्सिस पे क्या लेंगे, यहां पे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, और इधर लेंगे y एक्सिस पे फोर्स या बल लेंगे। x1 से x2 तक ले जा रहे हैं, इसका जो छोटा सा पार्ट होता है उसको dx कहते हैं हम। क्या कहते हैं? dx। तो ये फोर्स है, बल है, इसकी उपस्थिति में a से b ले जा रहे हो आप। मान लीजिए इसको ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहां से कहां तक ले गए, a से b तक ले गए। तो ये वर्क डन जो हुआ कार्य, वो हुआ f डॉट dx, मतलब f का x के सापेक्ष समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, x1 से x2 तक। इसको हम क्या कहेंगे, कार्य निकालना, वर्क डन निकालना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे यदि बल F इज इक्वल टू 2x प्लस 10 न्यूटन हो, तो x इज इक्वल टू 2 मीटर से 4 मीटर करने में कार्य किया गया है, यह वर्क डन निकालना है। ये आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये बेसिक फॉर्मूलेस पे रिलेटेड है, और आगे कुछ वीडियो लेक्चर्स और आपको मिलने वाले हैं निशान डिजिटल ऐप में, जिसमें आप फाउंडेशन फिजिक्स के जो हार्ड न्यूमेरिकल जो होते हैं एक्स्ट्रा, वो आपको एडिशनल एक न्यूमेरिकल सेक्शन बिल्कुल अलग मिलने वाला है, जिसमें अपर लेवल की जो तैयारी है वो आपको मिलेगी। और हम उनको सॉल्व करने से पहले अपने आप को इस तरह से तैयार कर लें कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसकी प्रैक्टिस घर पे जारी रहे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में है उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और एनसीईआरटी के पूरे सोल्यूशन, आपकी बुक के एनसीईआरटी के सोल्यूशन और मल्टीपल चॉइस और एक एक लाइन के जो है वो क्वेश्चन है, वो सब आपको एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर के फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। ये हमने फॉर्मूला बनाया f का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन, लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, 2 to 4, क्योंकि क्वेश्चन में कहां से कहां तक ले जाना था, 2 मीटर से 4 मीटर तक ले जाना था। अब f की वैल्यू पुट कर दी हमने ऐसे कैसे, dx के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो 2 को बाहर ले लो, x dx हो जाएगा, प्लस 10 को बाहर ले लेंगे और dx रह जाएगा। अब आप x रेस टू पावर 1 का इंटीग्रेशन या समाकलन कर रहे हैं, तो पावर में 1 ऐड करेंगे, 8 की पावर से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन समाकलन करने के बाद में आप बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4, यहां 10 dx का क्या हो जाएगा, यहां पे x लिमिट 2 से 4 ही चेंज होगी, यहां इससे कैंसिल हो जाएगा नंबर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहां x की वैल्यू 4 पुट करो, 4 की पावर 2 माइनस का साइन 2 रेस टू पावर 2, 16 माइनस 4 हो जाएगा, तो 16 में से 4 घटा देना है, 10 x की वैल्यू 4 माइनस 2, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, 12 प्लस 20 ऐड करेंगे तो 32, 32 न्यूटन इंटू मीटर या जूल कह सकते हो। इस प्रकार से हम कार्य की गणना कर सकते हैं। तो समाकलन के उपयोग में हमने क्या क्या पढ़ा, हम विस्थापन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे, वेलोसिटी वेग निकाल सकते हैं, और वर्क डन मतलब कार्य की गणना कर सकते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं समाकलन के उपयोग के बारे में। समाकलन की सहायता से गति के समीकरणों को भी प्राप्त कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है उसको भी हम डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके लिए क्या करना है हमें, जैसे फर्स्ट इक्वेशन होती है v = u + at, u क्या है, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, v अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, a त्वरण एक्सीलरेशन, और t टाइम है समय। तो यहां पे जब आप v निकालेंगे तो एक्सीलरेशन इनटू टाइम, मतलब त्वरण को समय से गुणा कर देंगे, तो v यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा वो dv आएगा, u से v लिमिट रहेगी, क्योंकि जो वेग है वो कहां से कहां तक बदलेगा, u से v चेंज होगा वेलोसिटी, यहां पे 0 से t लिमिट रही, और एक्सीलरेशन का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, या आप हिंदी में बोलेंगे तो a का त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन, आप इसे पढ़ते हैं 0 से t इसकी लिमिट रहेगी। तो इसके वेग की प्रारंभिक लिमिट u, अंतिम लिमिट v,
टाइम की प्रारंभिक लिमिट जीरो और अंतिम मतलब फाइनल कितना रहेगा टी तक रहेगा। यहां पे हमें v = u + nt तक पहुंचना है, तो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन किया, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करेंगे और यह एक है दोनों पक्षों का समाकलन करना। dt का समाकलन क्या हो जाएगा, v u से v तक लिमिट लगा देना। a dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, समाकलन t हो जाएगा जीरो से t। इसकी लिमिट पुट करोगे तो पहले मैंने आपको बताया अपर वाली लिमिट या ऊपर की जो सीमा है उसे पहले रखा करो, माइनस का साइन लोअर लिमिट लगाओ, ठीक है बराबर। a dt का इंटीग्रेशन समाकलन क्या हो गया, t हो गया, तो जीरो से t हो गया। पहले v माइनस u, यहां पे a पहले अपर लिमिट मतलब ऊपर की सीमा t रखोगे, माइनस का साइन लगाओगे जीरो रख दोगे, तो ये v माइनस u बराबर at हो गया। यहां पे बराबर के इधर u को शिफ्ट कर दो, तो जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, तो v = u + at। यहां पे u को आप क्या कहते हैं, u जो है प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, v को हम कहते हैं अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी है, और a एक्सीलरेशन है जिसे आप त्वरण कहते हो, और t को कहते हैं टाइम समय। तो हम इंटीग्रेशन समाकलन को यूज में लेकर और गति की प्रथम समीकरण या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है गति की द्वितीय समीकरण। गति की द्वितीय समीकरण प्राप्त करने के लिए आप देखो क्या होती है, गति की द्वितीय समीकरण सेकंड लॉ ऑफ मोशन मतलब सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन है ये, सॉरी यहां पे s = u2 + ut + half at square, या u प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है समय, a एक्सीलरेशन त्वरण है, और s यहां पे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है। यहां ds जो है अब इसको पढ़ोगे कैसे, ds का इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, ठीक है, और यहां v dt, अब ये कैसे बनाया हमने, दूरी विस्थापन बराबर वेग इनटू समय। आप सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जीरो से t इसकी लिमिट हो गई, और आप इसको यहां पे जीरो से s भी कह सकते हो। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s, अब लिमिट लगाओगे s माइनस जीरो, तो s माइनस जीरो लिखे या s लिखे बात एक ही, या v, v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से v = u + at रख सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमें यहां पे फाइनल वेलोसिटी चाहिए नहीं, हमें तो इनिशियल चाहिए, प्रारंभिक वेग के रूप में जमाना था इसको, तो u + at dt। अब आप योग नियम लगाओगे तो यहां पर आप इंटीग्रेशन जो करोगे, देखो इसमें योग नियम जब आप लगाएंगे तो ये इस तरह से चलेगा, यहां u dt आएगा, इस जगह पे u आना चाहिए था, u dt जीरो से लेकर t तक, a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, t का t के रेस्पेक्ट में मतलब t के सापेक्ष समाकलन करना है जीरो से t तक। यहां u बाहर निकाला हमने, dt का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है, t जीरो से t तक लिमिट चलेगी, और यहां पे a कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लिया था, तो t का इंटीग्रेशन या समाकलन जो है t स्क्वायर अपॉन 2, पावर में 1 ऐड करेंगे और 1 ऐड की हुई पावर को से डिवाइड कर देंगे, लिमिट लगाएंगे जीरो से t, यहां भी जीरो से t, s इज इक्वल टू, ये वाला स्टेप आगे बढ़ के यहां तक पहुंच चुका है। अब आपको लिमिट लगानी है u t माइनस जीरो, पहले t रखोगे माइनस का साइन जीरो, प्लस a बाई टू बाहर निकाल लो, t स्क्वायर माइनस अपर लिमिट है t और लोअर लिमिट है जीरो, तो t स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर कर दिया, तो यहां पे s इज इक्वल टू u t रहा, at स्क्वायर बटा दो रिमेनिंग रह गया, तो s बराबर s इज इक्वल टू ut + half at स्क्वायर, या s बराबर ut + 1 बटा 2 at स्क्वायर कह सकते हो। यहां s विस्थापन, a त्वरण, t टाइम है, इंग्लिश में हम अगर समझेंगे तो s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और t टाइम है, एक्सीलरेशन है। यहां पर इस तरह से हमने सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन हमने तैयार कर ली। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन गति के तृतीय समीकरण आप पढ़ रहे हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर + 2as। यहां पे हमने त्वरण एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, a इज इक्वल टू dv / dt, इसमें यहां पे ds से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर को गुणा कर दो, इससे ds / dt को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी v लिख सकते हैं। हमने यहां पे
ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इसको हटा के क्या लिख दिया, वेलोसिटी लिख दिया। तो ये v हो गया, v dv, और ds यहां पे चल रहा था। a के साथ में ds को ले जाओ, a के साथ में किसको ले गए, ds को, और v dv लिख दिया। अब क्या है, बाय टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हिंदी में हम बात करेंगे तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यहां पे हमने ds का इंटीग्रेशन समाकलन किया 0 से s तक, या v dv का इंटीग्रेशन समाकलन किया u से v। अब विस्थापन की लिमिट इनिशियल 0 और फिर s, यहां पे इनिशियल वेग या वेलोसिटी के लिए u और v। अब जब आप ds का समाकलन करेंगे तो s होगा, v का समाकलन करेंगे v स्क्वायर बाय 2 होगा। मतलब यहां पे आप ये कह सकते हैं, ये तो हमने लिख ही दिया, ds का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या हो जाता है s, 0 से लेकर s तक। यहां आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 और लिमिट हो जाएगी u से v तक। यही हमने आगे सॉल्व कर रखा है। देखिए यहां हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, समाकलन किया है, यहां पे ds का s समाकलन कर दिया, 0 से s लिमिट लगाए, और v का v स्क्वायर बाय 2 समाकलन कर चुके। यहां पे लिमिट कहां तक जाएगी, u से v। अब देखो यहां पे पहले आप लिमिट कौन से लगाएंगे, अपर लिमिट या ऊपरी सीमा, s रखोगे, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लिखा और ये 0। यहां पे पहले लिमिट पुट करोगे v, v स्क्वायर बाय 2, माइनस का साइन लगाओगे u स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यहां 2 LCM ले लो, 2 LCM लिया हमने, यहां पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया, इस 2 को यहां ले जाओ, ये हो गया 2s, और is equals to के इधर जब u स्क्वायर को माइनस के इधर लाओगे तो प्लस का हो गया, तो v स्क्वायर is equals to u स्क्वायर प्लस 2s, इसको घुमा के लिख दो, रिवर्ट करके लिख दो, v स्क्वायर is equals to u स्क्वायर प्लस 2s। यहां पे u क्या है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सीलरेशन त्वरण है, s डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, और v क्या है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी है। इस तरह से हमने गति की कौन से समीकरण कंप्लीट की, तीसरे समीकरण। इसमें समय की आवश्यकता, टाइम की नीड नहीं होती। पहली इक्वेशन थी v = u + at, वो इंटीग्रेशन समाकलन से प्राप्त कर ली। सेकंड थी s = ut + ut + half at square, और थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2s। तो हमने ये इंटीग्रेशन जो है समाकलन, इसको कंप्लीट किया। समाकलन के टाइप्स पढ़े, एक अनिश्चित इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक निश्चित डेफिनेट इंटीग्रेशन। अनिश्चित समाकलन में लिमिट्स नहीं होती, आंसर लिखते समय सी ऐड करना पड़ेगा, और डेफिनेट या निश्चित समाकलन में जब आंसर लिखे तो सी की कोई नीड नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। तो निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं, और आप लोग फिजिक्स को एनसीईआरटी फिजिक्स को बहुत इजी फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और निशान डिजिटल ऐप से पढ़ते रहिए।